गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, आई एम योर हिंदी टीचर। टुडे आई विल टीच यू हिंदी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्जेक्ट हिंदी सेकंड पढ़ाऊंगी, हिंदी व्याकरण। बेटा, पेज नंबर 39 निकालिए। पेज नंबर 39। बच्चों, चैप्टर 9 चल रहा था आपका, कैसा कितना, है ना, लेक्चर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चित्र देखकर दिए गए शब्दों के लिए कैसा और कितना बताओ। चित्र देखकर दिए गए शब्दों के लिए कैसा और कितना बताओ। ये देखिए, ये चित्र दिए हुए हैं बच्चों, ये चित्र दिए हुए हैं, तो देखिए ये कैसा है और कितना है। ये देखिए कैसा कितना, इसमें हम लिखेंगे कैसा है और इसमें हम लिखेंगे कितना है। तो ये देखिए क्या लिखा है, खरगोश। बच्चों ये देखिए खरगोश कैसे हैं, खरगोश सफ़ेद हैं, लिखिए सफ़ेद, लिखिए सफ़ेद। कितने हैं, एक तो दो है ना, तो आप यहाँ लिख दीजिए दो। ठीक, तोते, तोते ये कैसे हैं, हरे। तो बच्चों लिखिए हरे। और कितने हैं, एक दो तीन, तीन है ना, तो लिख दीजिए तीन। ठीक है, तीन। कौवे, कौवे कैसे होते हैं, काले, तो यहाँ लिखिए काले। कितने हैं, एक दो तीन चार, चार है ना, तो बेटा लिखिए चार। टमाटर, टमाटर लाल है, तो लिखिए लाल। कितना है, एक, तो यहाँ एक। बच्चों कंप्लीट हुआ आपका। देखिए खरगोश सफ़ेद है और दो हैं, ठीक है। तोते हरे हैं और कितने हैं, तीन। कौवे काले हैं और कितने हैं, चार। टमाटर लाल है और कितने हैं, एक, है ना। होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, कैसा या कितना बताने वाले शब्द चुनकर लिखो। तो देखिए का, सूरज है, सूरज कैसा होता है बेटा बताइए, गोल, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, गोल, ठीक है, सूरज गोल है। खा, आसमान में बादल छाए हैं कैसे, काले, तो आप यहाँ पर लिखेंगे काले, ठीक। गा, एक हाथ में उंगलियाँ हैं, कितनी उंगलियाँ हैं, पांच, तो ये पांच आप यहाँ लिखेंगे, है ना बच्चों। घा, एक साल में महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं बेटा, 12, तो ये आप यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में कंप्लीट करना है। इसी के साथ आपका लेक्चर 3 कंप्लीट, बेटा आपका चैप्टर 9 कंप्लीट। ओके, थैंक यू क्लास।